की फसल की कटाई के बाद हो या धान की फसल की कटाई के बाद हो, इसको गांव की समृद्धि के लिए हम क्या क्या करना आगे तुम्हें को संभालना है। हम ही चाहते हैं कि हमारी जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा, हम इसको आगे बढ़ाएं। दो से पर मैं दुबई में था तो अभी, और आज स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए मैंने छुट्टी ली है। सारे मिलजुल करके अगर ये काम करें, उनके लिए जाता है जो ये चोंडी टंडाल है, सारे गांव के अट्रैक्ट न करे, ये इनके लिए जाता है। भगवती माँ दुर्गे सबको जो है सबका कल्याण करे, माँ भगवती दुर्गा सबका कल्याण। हम आ गए हैं रावल देवता की पूजा में यहाँ पर, और जैसा कि वीडियो के शुरू में आपने देखा कि युवाओं में बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, अलग ही लेवल की एनर्जी है, खूब उत्साह है। जिस तरीके से वो लोग पूजा शुरू होने से पहले ही ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, और वो कैसा फील करते हैं यहाँ पर इसको करने में, उनको कितनी खुशी मिलती है, कैसा फील करते हैं, अभी हम जाके उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, और आपको बहुत अच्छी अच्छी धुन भी सुनवाएंगे उनसे, बहुत अच्छे अच्छे बजाते हैं वो लोग। धीरे चलते हैं उनकी तरफ। तो फ्रेंड्स, ये पूजा क्यों होती है यहाँ की, क्या क्या चीज, मतलब किस हिसाब से यहाँ पर शुरू की गई, कैसे? तो यहाँ के बुजुर्ग हैं ग्राम बंदरखंड के, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। तो वो क्या बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं आपके साथ, सभी हम साझा करते हैं। सर नमस्कार। दादी, आप यहाँ पर आए हैं, अभी युवा है यहाँ पर खाली, खूब हर्षोल्लास से पर्व जैसा मना रहे हैं, और आप भी आके पूरा उनका साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो सबको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है युवाओं के साथ, और दूसरा ये पर्व जो है ये किस लिए मनाया जाता है, क्या खासियत है, और इसकी जो फीलिंग्स है आपके साथ क्या जुड़ी हुई है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे। ऐसा है कि ये हमारे, जिसको हम अपने इष्ट देवता, इष्ट देवता बोलते हैं, राहुल देवता है, भगवती हैं या महादेव जी हैं, जो भी हैं, इनको हम एक सीजन में फसल की कटाई के बाद जो है पूजा करते हैं, चाहे अभी गेहूँ की फसल की कटाई के बाद हो या धान की फसल की कटाई के बाद हो, इसको गांव की समृद्धि के लिए हम अपने जितने भी देवता हैं, हमारे इष्ट देवता, सबकी पूजा करते हैं। और हम तो वृद्ध आदमी हैं, ये बच्चों को, इनको ये गाइडेंस करते हैं, ये क्या क्या करना आगे तुम्हें को संभालना है। तो देखिए, आपने जैसे देखा, एक तरीके से जैसे पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है फसल काटने के बाद, ऐसे ही यहाँ पर हर फसल काटने के बाद यहाँ के लोग भगवान को एक तरीके से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फसल दी, आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों का पेट भरने के लिए, हमारे पेट भरने के लिए फसल उगाई, अच्छे से कटी है वो, तो उसका एक छोटा अंश भगवान को अर्पण करते हैं, और साथ ही उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए ये सब किया। और इस बारे में यहाँ के युवाओं का क्या सोचना है, मैं आपको उनसे अभी बात कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ युवा क्या सोचता है, जहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ आप बड़ी बड़ी जगहों पर देखोगे, युवाओं को कुछ लेना देना नहीं होता, ज़्यादातर, हर किसी के लिए नहीं कहूँगा, ज़्यादातर युवाओं को लेना देना नहीं होता भगवान से, ऐसे जो रिलीजियस कार्यक्रम होते हैं उनसे, लेकिन यहाँ पर युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा उनमें आपको खुशी नज़र आ रही है। तो वो खुशी का राज क्या है यहाँ पर, वो कितना हर्षोल्लास से इस पर्व मना रहे हैं, तो कैसे मना रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नाम? अभिषेक। वैसे मेरे को पता था अभिषेक को, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो अभिषेक, आप पहले से यहाँ पर आ गए हो, अभी और लोग आए भी नहीं, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर आके ढोल नगाड़े बजा रहे हो, खूब यहाँ पर खूब एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो, तो क्या फीलिंग है आपकी कि मतलब आपको ये करना चाहिए, आपको ये खुशी मनानी चाहिए, जो मतलब उन्होंने तो बता दिया, आप यहाँ का युवा क्या सोचता है इस बारे में, आप ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा, हम इसको आगे बढ़ाएं और आगे जो बच्चे हैं उनको भी सिखाएं, सभी लोग एक साथ मनाएं तो अच्छा लगता है, सबके साथ, सबके साथ अच्छा लगता है, सबको एक साथ, सबको साथ एक मनाना चाहिए, सबको एक पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर एक साथ मनाते हैं, तो अब बुजुर्ग लोग हमें गाइडेंस करते हैं तो हम उसमें थोड़ा उनका सहयोग करते हैं, और बाकी हमारे भाई लोग हैं जो ढोल वगैरह बजा रहे हैं, बात करते हैं जी।
आगे इनसे बोलते हैं, बड़ा अच्छा ढोल बजाते हैं। मैंने भी इनका ढोल सुना, इन्होंने बहुत अच्छी इतनी प्यारी प्यारी धुन बजाई। ठीक है, अभी हम इनसे बात करने के बाद इनका ढोल भी सुनेंगे, सोलो भी सुनेंगे इनका, बड़ा अच्छा बजा रहे थे। तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस पर्व के बारे में, जो खुशियाँ मना रहे हैं वो खुशियाँ कितनी मायने रखती हैं इनके लिए, पूरे गाँव के लिए। नमस्ते, मेरा नाम सुशील पिस्ट है और हम काफ़ी लंबे समय बाद गाँव में आए हैं, लॉकडाउन है इस गाँव में। मतलब अभी उससे पहले कहाँ रह रहे थे आप? हम तो उससे पहले मैं दुबई में था, तो अभी दुबई से वापस आए हैं। तो कुछ टाइम जब गांव में सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम। आपने देखा दुबई रह के आए हैं, दुबई में रहे थे ये, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो है थोड़ा मॉडर्न है, लेकिन गांव में आके बिल्कुल गांव की विचारधाराएं मिल गए ये, और यहाँ पर खूब खुशियाँ मना रहे हैं पर्व की, और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर इनसे बात करते हैं, ये अभी आपको दिखाएंगे। मेरा नाम मिलन है और आज स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए मैंने छुट्टी ली है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे प्रोग्राम गांव में होते हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को एंजॉय करते हैं, पूरा अच्छे से मज़ा आता है, सबके साथ मिल के एक साथ भोज करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, देवी को याद करते हैं इसीलिए। और आपने देखा ये भी स्पेशली छुट्टी लेके आए हैं, लोग ऑफिसों से छुट्टी लेके आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं खुशियों को मनाने के लिए। और इस खुशी के बारे में गौरी, मेरा ब्रदर इन लॉ है, वैसे तो सभी ज़्यादातर मेरे भाई जैसे ही हैं, गौरी से बहुत ज़्यादा, गौरी अभिषेक से बहुत ज़्यादा मैं परिचित हूँ, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। गौरी है हमारा, गौरव कनवासी, ठीक है, प्यार से गौरी कहते हैं। और गौरी क्या सोचता है इसके बारे में, गौरी आपको बताएगी अभी। मैं ये कहता हूँ कि सारे मिलजुल करके अगर ये काम करें और अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ें तो उसी में सबका वो है, उसी में सबका। पुरानी परंपरा दूर नहीं जानी चाहिए, पुरानी परंपरा को भूलना नहीं चाहिए, ये तो हमारे सभी बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं, हमारे माँ बाप सभी बोलते हैं, लेकिन युवाओं के मुँह से सुनने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और अभी हम आपको अब सुनाते हैं आपका इनका जो बजाएंगे, पंडित जी अभी अंदर पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आपको पहले पूजा दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो खुशी मना रहे हैं यहाँ पर जो आए हैं, सबसे बड़ी बात देखिए धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, मैंने यहाँ पर चप्पल उतारी है, मंदिर परिसर में जाने से पहले चप्पल उतारी है मैंने, और यहाँ पर जितने भी युवा हैं सारे नंगे पैर, और सीरियसली यहाँ पर पैर इतने ज़्यादा जल रहे हैं, इतने ज़्यादा गर्म है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना जो पर्व है हर्ष उल्लास से मनाना है। सबसे बड़ी बात यही है कि श्रद्धा पूरी है, सबसे बड़ी बात श्रद्धा की होती है, श्रद्धा की कोई कमी नहीं है युवाओं में, और बहुत अच्छे से मना रहे हैं। अभी मैं आपको सुनवाता हूँ उनका, यहाँ पंडित जी भी आ गए हैं, और अगर पंडित जी को टाइम मिला तो पंडित जी से भी हम पूछेंगे इसके बारे में। चलो अब यात्रा शुरू हो गई, पहले यात्रा में चलते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चप्पल गर्म होगी बहुत ज़बरदस्त, भगवती माँ दुर्गे सबको जो है सबका कल्याण करे, माँ भगवती दुर्गा सबका कल्याण करे।
ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। हम आ गए हैं मंदिर अपने रावल देवता के। देखिए यहाँ पर सब लोग का जब यहाँ पर ये पूजा हो जाए उसके बाद खाना होगा, तो खाने के लिए यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और वहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ पंडित जी ही जा सकते हैं। और यहाँ पर भात को मतलब चावल को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो पंडित जी के अलावा यहाँ पर चावल को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना कोई जूठे हाथ लगा सकता। पंडित जी यहाँ पर जो है सर्व करते हैं चावल, और जब वो चावल सबको सर्व करते हैं उस समय बीच में भी कोई नहीं जा सकता। अब चावल और दाल पक गए हैं तो नीचे जो आग जल रही है पकाने के लिए उनको ठंडी करने के लिए पंडित जी पानी डाल रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम शुद्ध जगह है, खेत है यहाँ पर और खेतों में यहाँ पर दाल चावल बनाए जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, मैंने आपको दिखाया कि जैसे यहाँ पर जो चावल है बिल्कुल अलग बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ये चावल अलग क्यों बनाया जाता है, चावल को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत शुभ माने जाते हैं, वो क्यों माने जाते हैं अभी यहाँ पर हम यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने गांव के लोगों ने एक किचन बनाई हुई है वहाँ पर, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हैं, वहाँ पर जाके उनसे पता करेंगे, तो सभी सवाल पूछेंगे कि चावलों को इतना शुभ क्यों माना जाता है और चावलों के चावल खाने के क्या क्या रूल होते हैं, बनाने के क्या क्या रूल होते हैं, सब हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? महेश भंडारी। महेश भंडारी जी, आपसे एक छोटा सा सवाल था कि यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो भात है मतलब चावल है वो एकदम अलग से पकाए जा रहे हैं, वहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, तो चावल को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं चावल को खाने के पकाने के, तो वो किस लिए होते हैं, क्यों होते हैं, उनका क्या महत्व है, आप थोड़ा बताएंगे? महत्व ये है कि हमारे जो जेंट्स हैं लेडीज हैं वो जो भूत पकता है हमारे यहाँ
उसके लिए हमारे जो अलग से पंडित बुलाया जाता है वो पकाएगा, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ठीक। और हमारा जो है जंजो होगा वही छोटे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठेंगे, वो रूल हमारा बहुत पक्का है और यही रूल है बस, पंडित जी बढ़ाएंगे उन्हीं के हाथे खाएंगे, ठीक है बस। वहाँ कोई ये तो रूल है, लेकिन चावलों को शुभ क्यों माना जाता है इतना ज्यादा शुभ? सिर्फ गढ़वाल में ही नहीं, बहुत सारी जगह पर चावलों को शुभ माना जाता है, तो उसका क्या पक्का कारण क्या है? अब इसका तो शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि वो भोग लगाया जाता है, क्योंकि भोग लगाया जाता है, चावल का भोग शुद्ध माना जाता है। हाँ जी, क्योंकि देवताओं को भोग लगाया जाता है, देवताओं को भोग, चावल को भोग, बद्रीनाथ विशाल में चावल को भोग लगता है, ठीक है, इसलिए चावल को शुद्ध माना जाता है। कुछ अलग से कुछ बात हो जो आप बताना चाहें? अलग से यही हमारे यहाँ का यही है सिस्टम, ये चावल ही नहीं, कोई भी आप अगर आप जिस पूजा के बारे में या फिर कुछ भी हो, पूजा ये जा रही है, ये जो जा रहा है हमारे यहाँ जो छिपरे जा रहे हैं, हाँ जी, इसमें वो गिनार रखते हैं हम, रोटी रखते हैं, ये उनके लिए जाता है जो ये चोंडी चंडाल है उनके लिए जाता है ये भोजन। अच्छा, हाँ, जो ये हमारे गांव के अट्रैक्ट न करे ये इनके लिए जाता है। मतलब जो नेगेटिव चीज है, हाँ, हम उनको भी खुश रखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इनको भी शांत करा जाता है। हाँ, इनके लिए शांत करा जाता है, साल में एक दफे हम इनको शांत करते हैं, जो ये भूत पिशाच है इनके लिए ये खाना जाता है, इनके लिए खाना, हाँ, साल में एक दिन जब जैसे ये नई फसल हो गई है, हाँ जी, नई फसल के तुरंत बाद इनको हम भोग लगा देते हैं, तुरंत भोग देते हैं, तुरंत देते हैं, जो हमारे गांव पे जो भी हमारे गांव के खुशहाली के लिए ये लोग ये हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, इनको दे के ये भी रक्षा करते हैं। तो उनको जो हम खाने के लिए भेजते हैं तो उस खाने में क्या क्या होता है? उस खाने में सभी कुछ होता है, जैसे कड़े रोटी होगी, गिंजाड़ हो गया, सतनाजा हो गया, सतनाजों का वो बोलते हैं, सतनाजा हो गया, और क्या बोलते हैं, फल फ्रूट हो गया, नारियल हो गया, कच्चा नारियल हो गया, ये चीज देते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि चावल खाने के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको पकाने का भी एक तरीका होता है, जो बनाया जाता है चावल, जो लोग एक दूसरे के यहाँ अगर खाते हैं तो तभी खाते हैं जब वो पंडित जी ने बुलाया हो और उनके, और ये जानकारी एकदम सही है, मैंने भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर चावलों के लिए बहुत रूल होता है। और आगे की वीडियो के लिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ वापस, क्योंकि ढोल नगाड़े फिर से बजने लगे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहाँ पर जाके आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या कहना, ये है रास्ता यहाँ से जाने का। खाना शुरू हो गया है और कोई और भी मैं नहीं जा सकता।
सिर्फ पंडित जी वहाँ जाएंगे जब खाना बटेगा उस समय, इसलिए मेरे को यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ताकि उनको भी बीच में डिस्टर्ब ना करूँ और जो रूल है वो ना तोड़ूँ। और हाँ पंडित जी सबको चावल परोस रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अलग से चावल खिलाए जा रहे हैं। बच्चे कभी भी उठ जाते हैं, नॉर्मल जब पंडित जी भात मतलब चावल सर्व करते हैं तो आपको एक साथ बैठना होता है और एक साथ खड़ा होना होता है। बच्चे रूल रेगुलेशन पूरे नहीं कर पाते हैं इसलिए बच्चों को अलग से बिठाया जाता है। बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा। बिल्कुल जूम करके ले लेते हैं, जूम करके ले लेते हैं पूरा। बच्चा पार्टी। नमस्कार भैया जी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। कुछ नहीं भाई, आज तो बड़ा शर्मा रहा है भाई लड़का। और भैया बढ़िया बस बात तो हमारी बारी आ गई भात खाने की। पूरा ध्यान आपकी प्लेट पर रहेगा, आप कितना खा रहे हो। 10x ज़ूम है, पूरा ऊपर चला जाएगा। पी भाभी आप बहुत वीडियो देखते हो ना मेरी, सब्जी खाओ। अभी क्या खा रहे हो आप? तीन चार दिन पहले आपके टाइम पर मिला था। आ रहे जैसे हैं वैसे आएंगे, मोटे मोटे बुआलों की, आप सफलों की। फ्रेंड्स हम यहाँ पर अभी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से मिले जिसका नाम है परी, और इसने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, हमको भी एंजॉय करवाया। और हम इनसे पूछेंगे
कि परी को अभी कैसा लगा पूजा में आके और यहाँ पर खाना खाके, कैसा लगा हम परी से पूछेंगे। हेलो परी, परी आप यहाँ पर पूजा में आए, तो पूजा में आपको कैसा लगा? पूजा भी बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत टेस्टी था। और आपने एंजॉय किया? बहुत मस्ती करी हमने यहाँ पे। कैसे एंजॉय किया आपने? हमने आरती करी यहाँ पे। और क्या क्या करा आपने? खाना खाया। अच्छा, खाने में क्या क्या था यहाँ पर? दाल था, भात था, सब्जी थी। आपको सबसे अच्छा क्या लगा, दाल लगी या सब्जी लगी? दाल लगी। अच्छा, वैसे आप जब बाहर जाते हो मार्केट में तो आपको क्या खाना पसंद है, पिज़्ज़ा बर्गर या फिर दाल भात घर का? आइसक्रीम पसंद है। वेरी नाइस। तो अभी आप कुछ स्पेशल करके दिखाएंगे हमारे चैनल के लिए, स्पेशल कुछ बोल के दिखाएंगे। आप जी आग की दुनिया को लाइक करें, शेयर करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। बढ़िया लगा।